गहलोत सरकार होश में आओ, गहलोत सरकार होश में आओ, बजरी की दरें कम करो, बजरी की दरें कम करो। जो 29 तारीख का अपना बाड़मेर कलेक्टर का घेराव को देखकर राजस्थान की सरकार घबरा गई, इस वजह से उन्होंने आनन फानन के अंदर धरने का प्रोग्राम रखा और ये इतिहास में पहली बार हुआ कि जनता द्वारा सुनी हुई सरकार को अपनी ही मांगे मनाने के लिए एक लुटेरे गुंडे ठेकेदार के सामने धरना देना पड़ा। ये आप सबने देखा होगा कि कल और परसों दो दिन से उन सर्व समाज का रूप देकर कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर यहाँ धरने का नाटक किया और उस लुटेरे ठेकेदार के आगे पूरी सरकार घुटने टेक के बैठ गई। इतिहास में अब पहली बार राजस्थान के अंदर इतनी कमजोर सरकार साबित हुई कि ये एक नॉर्मल से ठेकेदार के सामने इसको धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने इस सरकार सलाने का ठेका भी इस ठेकेदार को दे दिया है और इसके एवज में तोहफे के रूप में जनता से पैसे लूट कर, बजरी के माध्यम से पैसे लूट कर पैसे भी दे और सरकार भी वो अपने सिस्टम से चलाए, ऐसी इन सरकार की नीति है। वो अपन सभी को जन जन तक ये फैलाना है कि बजरी के माध्यम से किस तरीके से ये अपने को लूट रहे हैं और कैसे बेबस सरकार के विधायक और मंत्री प्रमुख एक एक गुंडे ठेकेदार से रेटे कम करवाने के लिए उनको सड़क पर आना पड़ गया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। ये राजस्थान के लोगों के साथ में लोगों की भावनाओं का अपमान हुआ है, क्योंकि अब लोग ये समझने लगे कि ऐसा कितना बड़ा ठेकेदार है जो कि सरकार की सुन नहीं रहा और सरकार को ठेके पर हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। और उससे बड़ी बात क्या हो सकती, जैसे मंत्री जी कह रहे थे कि राजस्थान के अंदर सबसे कम रेट अभी बाड़मेर में ही है और जगह ज्यादा लूट हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? ये आप लोगों की कमजोरी है, आप लोगों ने ऐसे लूटे हुए ठेकेदार को बैठा दिया और एक ही ठेकेदार को राजस्थान के अंदर 17 जिलों के अंदर ठेका दे दिया, क्योंकि आपको ऐसा कोई आदमी मिला नहीं इसके अलावा जो बजरी का ठेका ले सके। कि ये जनता को आपने लूटने के लिए ऐसे लुटेरे को क्यों लेके आए हो, इसका जवाब जनता देगी। और मेरी बेसब्री से इंतजार कर रही है, 4 साल जैसे तैसे निकाल दिया और आपने भी खींचातानी करके कभी किधर अंदर तो भटक के 4 साल निकाल दिए और 1 साल बचा है जो लूटने के लिए, तो जनता आपसे लूटने के लिए तैयार नहीं है। अब पूरे राजस्थान के अंदर बजरी के मामले को लेकर पूरा जन जागृति अभियान चलाया जाएगा और जन जन तक ये भावना फैलाई जाएगी कि किस तरीके से एक सुनी हुई सरकार एक ठेकेदार द्वारा पूरी जनता को लुटा रही है। और कहने को तो जन कल्याणकारी योजनाओं की बहुत सारी थोती घोषणाएं करती है, लेकिन किस तरीके से लूट रही है, इस लूट का आप पर्दाफाश करेंगे और घर घर तक जन जन तक इसको ले जाएंगे और उसके साथ साथ में 100-150 रुपए कम करके उसको ये लाइसेंस भी दे दिया कि अब 400 रुपए में आप खूबी से लूटो और आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे, कोई अवैध नहीं होने देंगे, जब भी कोई दिक्कत होगी तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पूरा प्रशासन और ठेकेदार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और तुम बुरी तरीके से जनता को लूटो, ये लूटने का एक सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है, तो ये जनता के साथ में सरासर अन्याय है और बड़ा धोखा है। और ये इसी चीज का परिणाम है कि आरएलपी के प्रदर्शन और धरने से घबरा कर उन्होंने ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी भाइयों आप सभी को मजबूत रहना है, हो सकता है इस लड़ाई को और लंबा खींचना पड़े, लेकिन जिस तरीके से आप 15 दिन से आप लोगों का सहयोग रहा, 16 दिन भी आप बड़ी संख्या में पधारे, ऐसे ही आप सभी से अपील करता हूँ कि आप एक साथ नहीं आ सकते तो बारी बारी आए और अलग अलग गांवों से आए, इस धरने को मजबूती प्रदान करें और जल्दी 2-7 दिन के अंदर हनुमान जी भी आएंगे और बल्होत्रा का जाम कर पूरे प्रशासन और सरकार को घुटने तले या झुकना पड़ेगा। भाइयों आप बड़ी संख्या में आए, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब।